ईटे से खेलते खेलते इसका धजिया उड़ा दिया सब। ये देखो सामने पैसा ही पैसा, भाई साहब पैसे का माला है। और ये बिजली वाला जो ट्रांसफार्मर है, इधर कितना तार है, देखकर कोई डर जाएगा। यही सब खेलते हैं सब, पूरा धजिया उड़ा दिया इस बैट का। इस साइड भी पैसा ही पैसा, इतना सारा पैसा ऐसे ही टांग दिया, कोई लेकर भाग जाएगा तो। चाय पीने के लिए उसको देखो, ले ले चाय पियो। इन लोग को ये अपन मच्छर बहुत ज्यादा लगता है, ध्यान से देखो। फिर भी इन लोग यही पर सोना पसंद करते हैं सब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओ भाई खूब ब्लॉग स्टार्ट किया है, जैसे 10 10 10, ये तो स्कूलों की घंटिया जैसे बजती है वैसा आवाज आ रहा है। भाई जैसे ही 10 10 यहाँ पर बजता है ना, तो दिमाग भगता है उधर ही साइड। जब हम लोग बचपन पे स्कूल जाते थे, लोग छुट्टी होती थी वैसे ही 10 10 बजती थी हर वक्त। जब यहाँ पर ठक ठक आवाज आता है तो वही सीन याद आता है। अभी आ रहे नहा कर बाहर, भाई इतना सुहाना मौसम हुआ आज, इतना सुहाना। ऐसे सब मौसम में पतंग उड़ाओ भाई, मजा आएगा। जनवरी में मकर संक्रांति आता है ना, अब आ गया लोहा टीना वाला। अब ये बोल कर मेरा ब्लॉग डिस्टर्ब करेगा, बोल लेने दो यार, बोल लेने दो। हम नहीं बोल सकते तो वही लोग को बोलने दो। कबाड़ बेचिए, आपको बेचना है, चलो कट मार गया गली में, सही है। वरना इधर आता तो हम डिस्टर्ब होते। वैसे हम आपको क्या बता रहे थे कि मकर संक्रांति जनवरी में आता है, तो जनवरी में सारे लोग पतंग वतंग उड़ाते हैं लोग, एंड इसी वक्त से हम उड़ाना स्टार्ट कर देते थे। दिसंबर आ गया ना, हाँ हम तो अक्टूबर ही से उड़ाने लगते थे। आजकल के बच्चे भाई फोन चलाने में इतने व्यस्त है सब, उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि पतंग कब उड़ाया जाता है। और इस बैट का हालत देखो क्या हो गया है, ईटे से खेलते खेलते इसका धजिया उड़ा दिया सब। पीछे लिखा है किंग कोहली ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली इसका बैट है। यही सब खेलते हैं सब, पूरा धजिया उड़ा दिया इस बैट का। एंड हम यहाँ पर डॉग के लिए घर बना है, डॉग यहाँ पर सो ही नहीं रहा है सब। उन लोगों को लग रहा है मेरा घर पसंद नहीं आ रहा, तो वो सब बचपन से ही कूड़े पे सो रहे हैं सब ना, इसीलिए इधर से हट कर जा रहे थे कूड़े पे सो जा रहे सब। उन लोगों को लग रहा है कूड़ा ही घर भी दे रहा है। अभी यार यहाँ पर तो ठक 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 गजब आवाज आ रही है। कल रात को गए थे लोग शादी में, इतना इंजॉय किया, इतना इंजॉय भाई, फुल मजा आ गया। और एक इंसान पी लिया था, और वो पीने के बाद जानते हो क्या क्या है, जो रॉकेट बम आसमान में जाकर फटता है ना, स्काई शॉट कहते हैं, वही जलाया गया था। वो भाई पी लिया था, एक लात ऐसा मारा ना तो वो जमीन पे ही जा रहा, सुई सुई जा जा कर फट रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा। आदित्य के आंखों पे लगा है वही स्काई शॉट, ये कहो कि बच गया है। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन कर रहा था उसको मार दें, बट कोई उधर मारा नहीं है उसको। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही भाई नशे में था, उसको नशे छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही चाहिए था। वैसे हमारे बस में रहता ना भाई, जब आदित्य को दर्द लगा तो उसको जाकर समझा देते, लेकिन कुछ बोलने नहीं गए हैं, छोड़ो ये सब। वैसे भी चलते घर में, लग रहा है हमारे ब्लॉक करने नहीं देंगे, कभी के पीछे ठक 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 आवाज कर रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं। ब्लॉग में तो और भी आ रहा होगा, आप लोग भी इरिटेट हो रहे होगे। लोग मिलते हैं आपसे कुछ देर में, अभी यहाँ पर ठुक ठुक आवाज आ रही है, पता नहीं आज अंकल जी वहाँ पर कितना बजाएंगे। सो गाइस अभी फिलहाल मस्त रेडी होकर निकल गए थे कोचिंग के लिए। वैसे काम करते करते कब टाइम बीत रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, एक काम जैसे ही बीत रहा है दूसरा काम स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पर डॉग देखो कैसे सो रहा है, भाई ये भी खचिए में सो रहा है। अपना वाला जो खचिया रखा है ना वहाँ पर, उसको ला कर यहाँ पर रख देना चाहिए, यहाँ के डॉग आराम से सो रहा है सब। वहाँ पर तो मेरा वैसे पड़ा हुआ है, उन लोगों को तो खचिया में सोना ही नहीं है। वैसे अभी सारे भाई पहुँच गए लो कोचिंग के पास, एंड तुम्हारा भाई थोड़ा लेट से निकल रहा है क्योंकि एक काम कर रहे हैं तो बहुत टाइम लग गया है, तो फटाफट निकल रहे हैं। बाहर का मौसम कितना सुहाना सुहाना हुआ है, यहाँ पर शरीफे बिक रहे हैं और साथ में अमरूद। शरीफा भी खाने में मज़ा आता है, ये छठ पूजा में चढ़ा हुआ था, उससे मैं तुम्हारा भाई बहुत खाया था। आपको पैसा दिखा बहुत सारा पैसा, ये देखो सामने पैसा ही पैसा, भाई साहब पैसे का माला है। इस साइड भी पैसा ही पैसा, इतना सारा पैसा ऐसे ही टांग दिया, कोई लेकर भग जाएगा तो। लेकिन पकड़ लेंगे सर, वो सब शादी में दूल्हे लोग पहनते हैं लोग। अभी एक भैया का जैकेट पहन कर हम पूरे दिन घूमते रह रहे हैं, ये ब्लैक वाला, ये हमको पसंद आ गया उनका, एक ऐसे ही हमको भी खरीदना है, सेम लेंगे ब्लैक कलर का, बढ़िया लग रहा है मेरे में, ऐसे ही एक खरीदना है। उनका जब भी दिख रहा है ना घर में पहन कर निकल ले रहे हैं। ये बीच रोड पर क्या हुआ है, क्यों जाम लगी पड़ी है, ये देख रो पीछे तक जाम ही जाम। बट कोई ना, हम लोग को तो इधर जाना, निकल जाएंगे। पता नहीं कब हम लोग स्टेशन पर निकल रेडी होगा,
कई सालों से तो बन ही रहा है। इतने धीरे धीरे काम कर रहे हैं लोग ना, अगर फास्ट काम करते लोग तो ये कभी बनकर रेडी हो जाता, वरना हम आपको सालों से दिखा रहे हैं ये स्टेशन ऐसे ही बनते जा रहा है। काम चलती रह रही है, कोई ना कोई तो काम कर ही रहा है, फिर भी बनकर रेडी नहीं हो रहा है। एक ट्रेन आ गई, वैसे अभी हमको फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन आई है ना, आगे की तरफ जाम मिलेगा तो वहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। मेन रोड पे गाड़ियों का भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, अभी हम तो पैदल साइड साइड से निकल जाएंगे, जो गाड़ी वाले हैं लोग उन्हीं लोग का लेट होगा। कितनी लंबी जाम लगी पड़ी है, इसीलिए वहाँ की साइड रोडों पे जाम लगी पड़ी थी। तो बॉयस अभी फ़िलहाल कोचिंग से पढ़कर घर पे आ गए थे, और घर पे आते ही वो जैकेट निकाल दिए क्योंकि भाई हमको लगने लगी है गर्मी, इतनी दूर से चल कर आ रहे हैं ना तो गर्मी लगने लगी है, और अभी के वक्त हल्की हल्की सी बारिश भी होने लगी, अभी बहुत ही धीमी धीमी हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो पत्थरों पे बारिश की बूंदें दिख रही है। अभी कुछ देर के अंदर तुम्हारे भाई को भी ठंडी लगने लगेगी। अभी ठंडी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि डायरेक्ट आ रहे कोचिंग से पढ़ कर ना, पैदल आते हैं तो गर्मी शरीर में हो जाती है, अब कुछ देर रुकेंगे ना खुद ही शरीर में ठंडी लगने लगेगी। और ये बिजली वाला जो ट्रांसफार्मर है, इधर कितना तार है, तार ही तार, देख कर कोई डर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि तार से लपेटा हुआ है, लग क्या रहा है, लपेटा ही हुआ है। और बाई चांस इसमें करेंट आ जाएगी तो क्या होगा, कोई बच्चा ही अगर टच कर देगा तो समझ सकते हो आप क्या हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ के नगर पालिका को देखकर इसे सही कराना चाहिए। खतरों से कम नहीं है, देख सकते हो पीछे इतना डेंजरस दिख ही रहा है, पूरे तारों तारों से लपटा हुआ है। डॉग के लिए हम घर बनाए थे बट डॉग उसमें तो नहीं रहे, सब डॉग दिखा रहा है आपको कहाँ पर रह रहे हैं, सब डॉग वहाँ पर रह रहे हैं, सब सारे के सारे फिर भग गए थे सब अपने घर की तरफ। इन लोग को यही रहना पसंद है, देखो उस दिन इन लोग को यहाँ से लेकर गए ना वहाँ पर घर बनाया था, तो इन लोग को यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा लगता है, ध्यान से देखो मच्छर कुछ ज़्यादा यहाँ पर लगता है, फिर भी इन लोग यहीं पर सोना पसंद करते हैं सब, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि छोटे से वहीं पर बड़े हो रहे हैं सब, तो उन लोग को लग रहा है कि वही मेरा घर है और वहीं पर रह रहे हैं सब। और ये पता नहीं कौन सा नौटंकी किया सब कभी से, देखो ना पागल जैसा, ये क्या है डांस कर रहा है सब। अभी भाई फिलहाल आकर घर में मस्त गर्मा गर्म चाय बनवा लिए हैं एंड अभी पी रहे हैं। चाय पीने के बाद थोड़ा शरीर रिलैक्स सा फील करता है और इससे और भी शरीर में गर्मी आएगी जिससे ठंडी कम लगेगी। एंड ये सब देखो पीछे बहुत ही झगड़े कर रहे हैं सब आजकल, थोड़ा एक बार कॉमेंट में बताओ ना क्या इन लोग को करना चाहिए, भाई बहुत ही झगड़े करते हैं सब आपस में ही। ऐसे तो दुश्मन कहीं पर हम देखे नहीं है, ये उसको काटता है ये उसको काटता है, सीनी यहाँ पर ऑफ है, देखो कैसे देख रहा है, झगड़ा मत किया करो, तू भी मत किया करो, वो भी करता है झगड़ा, लग रहा कैमरे को ही पकड़ लेगा, लो पकड़ो। हाँ अभी हम चाय पी रहे हैं ना, कैरेस हमको नहीं पिला रहा, लो चाय पियोगे, चाय 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 पियोगे, आजा आजा इधर इधर चाय पी लो, चाय के नाम पे भाई चाय पीने के लिए उसको देखो, लो लो चाय पियो, वो तो चाय पीने के लिए पहले आएगा। अभी फिलहाल निकले हुए थे बाहर वैसे रात के वक्त, और कुछ देर पहले भाई बारिश हो रही थी जिसके वजह से आराम से घर में बैठे हुए थे। ये देख सकते हो पूरा रोड भाई गीला हुआ पड़ा है। अरे ये सब भाई कभी से खेले सब बहुत थी, कितने देर से खेल होती है, झूठ है सब झूठ है, दो लोग हैं ना तो दो लोग का जोड़ लो, दो घंटे खेले होंगे रूट खेले जाए एक बार, उसके बाद दो क्लास तीन क्लास बहुत खेलते हैं सर गेम ये दोनों। हाँ पर शादी है इसका डाफिस ना चलो, ठंडी ठंडी के दिनों में ना जानते हो क्या खाने में मजा आता है, बगल में बिक रहा है लिट्टी, लिट्टी चोखा भाई खाने में मजा आता है ठंडी के दिन। अभी ये सब अपना एक स्टोरी बता रहे हैं सब, वो स्टोरी सुनकर इतना हंसी आ रहा ना, इतना हंसी आपको ब्लॉग में नहीं बता सकते, वो पर्सनली रहेगा भाई, सुनकर तो हंसते ही रह रहे हैं बार बार, इतना अजीबो गरीब अपना हरकत बता रहे था ना, हंसते हंसते तुम सुनोगे तो पागल हो जाओगे। ये देखो जी घर के पास कौन दिखे सब, ये दोनों, ये आज बारिश हुई है तो आज यहाँ पर आया सब, वरना इन लोग के लिए घर हम बनाए, और ये सब तो वहाँ पर सो रहे थे सब। और ये देखो यहाँ पर रखे हुए थे ना खचिया, तो यहाँ से हटा कर अभी कोई यहाँ पर रख दिया, पता नहीं किसने रख दिया, लेकिन वो खचिया भी गंदा हो चुका है तो उसको यहाँ पर दोबारा हम नहीं रख सकते। इन लोग के लिए तो मस्त सा घर बनाए, फिर भी ये सबको सोना है वहीं पर, अभी भी लगा देंगे तो ये सब यहाँ पर नहीं सोएंगे, चले जाएंगे सब वहाँ पर सोने के लिए। और अभी के वक्त देखो पता नहीं कैसे यहाँ पर चले आए सब, चलो अब चलते हैं लो सोने के लिए,
इसको मज़ा आ रहा है, इसको सहला रहा है। तो वैसे अभी काफ़ी रात हो गई है और मेरा फ़ोन भी अभी चार्ज नहीं है, कुछ देर के अंदर स्विच ऑफ भी हो जाएगा अगर चार्ज नहीं लगाए तो। फिलहाल अभी चलते हैं घर में। और भाई ये देखो, और तो तीन डॉग यहाँ पर आकर सोए, सब दो वहाँ पर है सब। ये सब भी रात को एक दूसरे में चपक कर सो जाएंगे सब, तो ठंडी नहीं लगती है इन लोगों को। वैसे अभी चलते हैं घर में। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद है, पसंद है ब्लॉग तो लाइक करेगा, अगर चैनल अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो पीयूष के भाई मिल गए सब यहाँ पर। अपने भाई को ऐसे ही छोड़ दियो, घर ले जाओ। व्हाट्सअप कर रहा है अपने मम्मी पापा को कि ये मेरा भाई है कि नहीं।